बसपा छोड़कर आए नंदी ने पहली बार कांग्रेस से इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र पर किया नामांकन। पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन पाप से पैसा कमाना पाप है जो उन्होंने किया है। आज पूरे जमुना पार क्षेत्र में मेरी बात मत सुनिए, जाकर के देखिए, लोगों से पूछिए। एक एक सड़क को 3 बार बेचने का काम किया, कहीं उनके विधायक बेटे दीपक पटेल जी बेचते हैं तो कहीं उनके पति गुलाब सिंह जी बेचते हैं, कहीं उनके देवर बेचते हैं। सड़क पूछो कहाँ जा रही तो लोग बताते हैं गड्ढे में जा रही। 15 साल में 400-500 करोड़ रुपये मिले खर्च करने के लिए, उन्होंने किया नहीं। तो अब दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, तो खिसियाहट ये सामने आ रही। मुद्दा साफ है कि हम जनता का पैसा जनता के बीच में लगाएंगे, और हम विधायक रहे मंत्री रहे, हमारी पत्नी मेयर है, एक कोई भी जगह पर उठकर खड़े होकर के कसम खा कर के कह सकते हैं। और ये केसरी देवी पटेल, ये क्या कहते हैं श्यामा चरण गुप्ता और ये रवि रमण सिंह, एक जगह कसम खा कर कह दें कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, हम कह सकते हैं। और सीना ठोक करके कह सकते हैं हम इनकम टैक्स जमा करते हैं, और इनकम टैक्स जमा करना अगर पाप है तो मैं समझता हूँ बहुत लोग पाप करते हैं, लेकिन अगर हमने कोई अपराध किया है, कोई चोरी की है, इनकम टैक्स की चोरी, ये पैसा दिखाते ही नहीं इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। हमने तो दिखाया है सीना ठोक करके, अगर कहीं कुछ गलती की है तो EOW है आर्थिक अपराध नियंत्रण, वो हमारे ऊपर मुकदमा करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुकदमा करे, हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ कि आप मनीआर्डर से वोटरों को पैसे भेज रहे हैं। मनीआर्डर से पैसे भेज रहे, ये भैया मन गलत आरोप है। आप लोग अच्छी तरह से, और इलाहाबाद के रहने वाले हो, बहुत आपके दोस्तों और मित्रों ने बताया होगा कि नंदी जी आए थे, और अगर नहीं आए थे तो उनकी शुभकामनाएं आई थी। तो मेरी जो भी हैसियत जो भी है समुचित, मैं मनीआर्डर के थ्रू भेजता था, लेकिन हम कानून को मानने वाले हैं। जब से आचार संहिता लगी हमने नहीं भेजा है, और ये दिखा रहे हैं इस डेट में। मुझे तो लगता है सांसद जी ने ही किसी को खड़ा करके ये सब काम किया। अच्छा, एक चीज़ है कि आपकी पत्नी लगातार आपके साथ चुनाव प्रचार में है, समय रहती है, और एक बहुत बड़ा हाथ रहता है उनका आपके हर चुनाव में, चाहे विधायकी का चुनाव रहा हो या आप भी उनके साथ थे जब वो मेयर का चुनाव लड़ी, तो आपको लगता है कि पत्नी का साथ हर समय रहता है? देखिए, कहते हैं ना जैसे दो पहिया होती, तो हम लोग दो पहिए के रूप में रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। और जहाँ कहते हैं सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना।